सभी गुरुजनों को राकेश चतुर्वेदी का सादर प्रणाम। आज देवभूमि उत्तराखंड दर्शन 2021 से और 2022 में एंट्री करनी है, तो आज उत्तराखंड पहुंच गए हैं और ये उत्तराखंड की खूबसूरत वादियां, मेरे ठीक पीछे हिमालय बर्फ से ढका हुआ है, मौसम बहुत सुहावना है। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ एक छोटी सी अपडेट देना स्टार्ट करूं, उत्तराखंड में एंट्री कर ली है। तो अब देखते रहें और जुड़े रहें। ले चलते हैं अब आपको उत्तराखंड आने के बाद सबसे पहले एकेश्वर महादेव, एकेश्वर महादेव के दर्शन कराते हैं। वो देखें सामने एकेश्वर महादेव उस पहाड़ी पे, तो ले चलते हैं आपको। देखें अब पहुंच चुके हैं एकेश्वर महादेव, ये एंट्रेंस द्वार है। एकेश्वर महादेव ये 5 शक्तिपीठ में से एक पीठ है और हम लोग यहीं के हैं। एकेश्वर महादेव हमारा इगासर बाजार के नाम से फेमस है, तो यहाँ पे शिवालय है एकेश्वर महादेव। तो ये देखे नीचे शिवालय बना हुआ है और मनोकामना सिद्ध पीठ एकेश्वर महादेव, सच्चे मन से अरदास लगाई जाए, सच्चे मन से दुआ मांगी जाए तो यहाँ पे मनोकामना पूर्ण होती है। और हम लोग अपने बाजार इगासर बाजार पहुंच गया, तब चलो एकेश्वर महादेव के बाद आपको ले चलते हैं इगासर बाजार। ये वादियां ये फिजाएं बुला रही हैं तुझे, ये इगासर बाजार के बाद हम लोग आगे निकल गए एकेश्वर से। अब ये समय जैतोली, तले जैतोली और मल्ले जैतोली, फिर अग्नि बमोली, ये गांव चीन आऊं, फिर एक टिक ताल जाके पाटी सैन, फिर वो बाहर जाते हो तो ये टिक समय जाकर ये सिमार खाल। अब हम सिमार खाल पहुंच गया, अब सिमार खाल बैठा की अब हम लोग उन दुखने की स्योली और हले का बीच में ढोरी को प्रस्थान कर दो। तो देखते रहे और जुड़े रहे हम दगड़ आप ते की एका की नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करना रोला। उत्तराखंड में खुशनुमा नजारा और उत्तराखंड की वादियों में आने का जब भी मौका लगता है तो मैं दिल्ली से सीधा अपने होम टाउन अपनी जन्मभूमि में आ जाता हूँ और दो पल यहाँ पे अपनी फार्मिंग के साथ निकालता हूँ। तो अभी चलते हैं नीचे के लिए, और नीचे तो हो सकता है मेरे को जाते जाते टाइम लग जाए, अंधेरा भी हो सकता है, तो फिर जब भी टाइम मिलेगा आपको जो भी मेरी फार्मिंग हो रखी है उसकी झलक दिखाएंगे और आगे की एक्टिविटी पे इन लोगों के साथ बातचीत करेंगे। घर नीचे उतरने से पहले मैंने कहा आप लोगों को एक बार दोबारा से यहाँ के व्यू दिखा दूं। काफ़ी देर से बैठा हुआ था यहाँ पे पहाड़ के ऊपर, तो मैंने कहा जो प्रकृति के नज़ारे मैंने
देखे वो आप लोगों को भी दिखाऊं। ये देखें, ठीक पहाड़ों के बीच में खूबसूरत वादियां, और इन वादियों के बीच में ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। और दिल्ली की पॉल्यूशन से बाहर आके उत्तराखंड में 2 दिन रहने का मौका मिलेगा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी यादें ताज़ा करूं। और काफ़ी टाइम से उत्तराखंड की वीडियो नहीं बनी थी यूट्यूब पे, तो एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं।